ताजी शुद्ध हवा के लिए और शांति के लिए लोग गार्डन में टहलने आते हैं, वही बच्चे गार्डन में खेल कूद करने हमेशा पहुंच जाते हैं, और परिवार जो अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए सोचते हैं तो उन्हें सबसे अच्छा और आनंदमय जगह गार्डन ही लगता है। वही सुविधाओं से वंचित एक ऐसा गार्डन है जोगेश्वरी पश्चिम का ओशुरा गार्डन। यह गार्डन बंजर हो चुका है, अब पहले की तरह यहाँ कोई भी सुख सुविधा नहीं है, ना ही प्रशासन इस पर कोई ध्यान दे रहा है। इस पूरे संदर्भ में बच्चों ने और वहाँ के लोगों ने क्या कहा, ये जानते हैं। इस समय हम खड़े हैं APJ अब्दुल कलाम आज़ाद गार्डन में, जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए सुविधा ही नहीं है। जैसे कि आपने देखा, पूरे ग्राउंड में जो है पत्थर बिखरे हुए हैं, और यहीं पर कुछ जो बच्चे हैं जो साइकिल चला रहे हैं, इनसे जानते हैं हम कि इन्हें किस किन किन चीज़ों की असुविधा महसूस हो रही है, इनके पास और क्या होना चाहिए। रोज़ नहीं आता, कभी कभार आता हूँ, क्योंकि इधर मतलब धूप है, झाड़ के वजह से कुछ होता ही नहीं है, सब जगह से धूप आती, झाड़ ही नहीं इधर आके क्या फ़ायदा है। इतना पे अच्छा रहता है, झाड़ रहता है, हवा आती, ठंडी हवा आती, इस वजह से हमें अच्छा लगता है। वहाँ पे अच्छी ठंडी रहती है, अच्छी ठंडी रहती है, हमें ही फ़ायदा है सबसे। अभी तो यहाँ पे वैसा कुछ है ही नहीं कि सब लंबे, हाँ सब उजड़ा हुआ है, दो गिनती के दो तीन ही तो झाड़ है यहाँ पे, कुछ फ़ायदा नहीं है झाड़ गार्डन का रह के, मतलब नहीं। हमें झाड़ चाहिए सबसे पहले, अच्छा, फिर हरी भरी घास चाहिए, फिर खास करके बुज़ुर्ग लोग के लिए सहायता रहनी चाहिए, आके वो गार्डन में मतलब वॉक करते शाम के टाइम पे, वो रहना चाहिए, सब साफ वाफ रहना चाहिए, ऐसा गंदा रहता है, हाँ कुछ टूटा फूटा नहीं रहना चाहिए। बुजुर्ग लोग तकलीफ रहती ना बैग में, तो इसके लिए ऊपर नीचे हो जाता तो उनको तकलीफ हो जाती है। यहाँ पे तो पेड़ नहीं है, साफ नहीं है, कुछ झूला वूला कुछ भी नहीं है, बैठने के लिए कुछ अच्छा जगह नहीं है, पानी है लेकिन साफ नहीं है, यहाँ पे नहीं अच्छा लगता, बड़े बड़े पत्थर रखे रहते, साइकिल वाइकल चलाते तो कभी गिर जाते। यहाँ पे तो सबसे पहले साफ करवाना चाहते गार्डन, उसमें फिर घास वास निकलाना चाहते, फिर ये पत्थर वत्थर हटाना चाहते। ये सब गार्डन तो एकदम गंदा गंदा सा है, कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पे। देखिए आप, पत्थर वत्थर सब पूरे पड़े हुए हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता। कोई अगर शाम को फैमिली आए तो अपना देख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे देखने लायक चीज़ ही नहीं। वाड़ी में देखिए आप, कितने अच्छे अच्छे गार्डन हैं, बहुत से ऐसे गार्डन हैं कि जहाँ पर बहुत से पब्लिक भी आती है देखने को, हर एक चीज़ वहाँ सुविधा होती है, पानी की भी, बैठने की, उठने की, हर एक चीज़ की सुविधा होती है। यहाँ सुविधा नहीं है जी, नहीं। इन बच्चों को भी इंतज़ार है कि यहाँ पर भी एक हरा भरा गार्डन का निर्माण हो, और इनकी मांगे भी यही है कि इस गार्डन में पेड़ और घास होना चाहिए, और इसका लाभ यहाँ के छोटे बच्चे खुशी से उठा सकें, क्योंकि ये केवल एक पत्थरों से भरा हुआ मैदान ही दिख रहा है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाए, इसमें सिर्फ पत्थर ही भरे पड़े हुए हैं। हमारी भी यही प्रार्थना है प्रशासन से कि यहाँ पर हरा भरा गार्डन का निर्माण हो। कैमरामैन रामा यादव के साथ अकबर शाह की रिपोर्ट, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।